नमस्ते, वेलकम टू योगा कन्नास। आज इस वीडियो में मैं हर सिंगर की पत्ते की मैजिकल बेनिफिट के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में आप आगे जाके देखेंगे किस तरह से इसको लेने से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन सी बीमारी में आप ये ले सकते हो और कितने दिन के लेने से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी बीमारी में इसको लेने से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हरसिंगर का पत्ता कोई भी दर्द, कोई भी आर्थराइटिस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, साइटिका, सोयलिंग, कमर दर्द, कमजोर हड्डियाँ, इन सब में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपका स्किन में फंगल इन्फेक्शन है तो इसका जूस निकल के लगाने से या तो कसायस बने के बनाकर लेने से बहुत लाभदायक है। बच्चों के पेट में जो कीड़ा होता है उसमें अगर आप 4-5 पत्ते का रस निकाल के इसको रोज खाली पेट पिला दे 1 हफ्ता तक, या तो 1 या 2 पत्ता अच्छी तरह धो के चिबो चिबो के खाने से बच्चे का पेट में जो कीड़ा होता है वो खत्म हो जाता है। तो चलिए अभी मैं इस पेड़ को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है हरसिंगर का पेड़। हिंदी में इसको हरसिंगर बोला जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम पे जाना जाता है, जैसे पारिजातक, पारिजात, सिउली, गुलजाफरी। इसका इंग्लिश नेम है नाइट फ्लाइंग जैस्मिन और इसका जो फ्लावर है उसको जैस्मिन बोला जाता है। इसका फूल रात में खिलते हैं और सुबह झड़ जाता है। ये देखिए इसका जो पत्ता है इसका सरफेस बाकी पत्ते जैसे स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा रफ होता है। अभी मैं 7 से 8 पत्ता ले लूँगी जिससे हम इन सब बीमारियों के लिए एक जादुई मेडिसिन बनाएंगे। इसको आप कसायस बोल सकते हो। अभी हम कसायस बनाएंगे। सबसे पहले पत्ते को अच्छी तरह से धो लीजिए। अगर आपको लगे पत्ते में पेस्टिसाइड हो सकता है तो पानी में थोड़ा इमली मिला के 10 से 15 मिनट पत्ते को भिगो के रख दीजिए, फिर अच्छा नॉर्मल पानी से धो लीजिए। अभी इसको थोड़ा क्रश कर लूँगी। आप चाहो तो मिक्सी में इसको घुमा सकते हो। ना अभी 1 गिलास पानी लेना है। पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ है तो और भी अच्छा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हरसिंगर का क्रश किया हुआ पत्ता डाल दीजिए। अभी इसको गैस पे चढ़ा दीजिए और इस टाइम गैस को सीम पे कर दीजिए और तब तक उबलने दीजिए जब तक पानी आधा ना रह जाए। अब पानी देखिए आधा हो गया है, इस टाइम गैस को बंद कर दीजिए और इस तरह रात भर छोड़ दीजिए। सुबह नींद से उठने के बाद सबसे पहले ये कसायस आपको पीना है। आप चाहो तो पत्ते के साथ भी पी सकते हो, नहीं पी पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको छान के भी इसका सिर्फ पानी भी ले सकते हो। तो इस तरह से कसायस बना के अगर आप हरसिंगर का पत्ते को लेते हो तो कुछ ही दिनों में आपको दर्द से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपका दर्द कुछ ही दिन का है, मतलब नया शुरू हुआ है, तो आप 7 से 10 दिन तक इसको ले लीजिए, इससे आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको दर्द कहीं पुराना है, 5 साल 10 साल 20 साल इतना पुराना अगर होगा तो आपको 1.5 से 2 महीना या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना लेने से आपको आराम मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है हल्का फुल्का दर्द है तो बीच में आप 15 दिन का गैप दे दीजिए, फिर 15 दिन बाद फिर से इसको शुरू करिए, फिर से 2 से 3 महीना कंटिन्यू इसको ले लीजिए तो आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका बॉडी में कोई भी पार्ट को आप मूवमेंट नहीं करा रहे हो और करा भी रहे हो तो सही तरीके से नहीं करा रहे हो तो उसमें जंग लगेगा ही लगेगा, लगना निश्चित है। तो इसीलिए हर रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कम से कम वार्म अप ही कर लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए सुबह उठ के। बॉडी पार्ट्स को हिलाना बहुत जरूरी है। अगर इसको हिलाएंगे एवरी पार्ट्स को तो आपको शरीर में जंग नहीं लगेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस तरह से पेन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तो ठीक हो जाएगा, फिर फ्यूचर में आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने बॉडी को ध्यान रखिए तो वो भी आपको ध्यान रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।